Hey guys, welcome to Funky Girl Vlogs. कहाँ जा रहे हैं? हाँ गाइस, 11 बज चुके हैं और आज हमने प्लान किया है मूवी देखने जाना। मतलब एकदम इंस्टेंट प्लान हुआ, अभी एक 10 मिनट पहले वी वर डिस्कसिंग और हमने सोचा कि मूवी देखने जाते हैं, तो हम ब्रह्मास्त्र मूवी देखने जा रहे हैं और फिर हम वहां से आपको उस मूवी का होपफुली रिव्यू एंड हमारी जो भी वन मस्ती होगी वो सब आपको बताएंगे। तो वेलकम टू द व्लॉग एंड अनदर डे विद अस। आज क्या क्या करने वाले हैं ये सब मिलके बताते हैं क्योंकि टाइम आ गया, चाबी ले गई थी बाइक की, लेट हो रहा है हम लोग को, तो वहां बाहर मिलते हैं। फाइनली खाना पीना आज उपवास है। शूट मैं अभी वो लेने वाला था यार, मैंने कहा पापन अपन कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ। ले सकते हैं पापन, ले कैसे ले सकते हैं? चतुर्थी अभी सॉल्टेड हो जाते, इसमें सेमल हमें डाल के देने वाले हैं। अच्छा कौन तो चलते ही नहीं, कौन नहीं चलता? और ये देख रहे सब कौन चलते हुआ गाइस, अभी इंटरवल हो चुका है, अभी इंटरवल हो चुका है। फर्स्ट हाफ को हम कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे क्योंकि हम आपको सब एंड में दिखाएंगे। हम सारे रिव्यू बाद में बताएंगे इसके, हाँ, मतलब ये देखने लायक है या नहीं सब हम उसको एंड में दिखाएंगे, पर फिलहाल अभी यहाँ का माहौल अच्छा लगी है, लगी तो स्मेल आ रही थी और चल यार मूवी चालू हो जाएगी। कुछ नहीं बेटा, उपास कुछ नहीं, उपास का इसको है ना पता, खाना भी है और उपास भी करना, दोनों दोनों कैसे होगा भाई? उपास है तो उपास भैया, उपास का कुछ है क्या? उपास करने का कुछ नहीं कर सकती तू, आज उपास करने का मन नहीं कर रहा। चतुर्थी है आज, गणेश जी का वार है, गणेश जी का वार है, उपास करना पड़ेगा। चलो हम डिसाइड करते हैं, अटल सी चलो मूवी चालू हो जाएगी पागल। चल तेरे को सिर्फ पॉपकॉर्न की स्मेल आ रही है इसलिए मेरा मन नहीं मानता, अभी तो घर में होती सब कुछ कर लेती, अभी तो कुछ स्मेल आ रही है। मैं तेरे को फ्रूट जूस पिलाऊँ, पानी पी ले, पानी की बोतल ले लो। तेरा मन है? नहीं मेरा कोई मेरा तो मन ही नहीं है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। तो रसी का मन नहीं है, पूछ ले भाई कुछ होगा उपास तो ले जा तेरे लिए। पॉपकॉर्न ही खाना है। अच्छा खाना पॉपकॉर्न ही है और मंगलवार के दिन आना, उपास वाले दिन आना। चलो 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 मूवी चालू करो। अरे यार हाय राम, अरे देवा यार समझ में ही नहीं आ रहा है यार इसको है ना, ये पता नहीं कहाँ से पानी टपकता रहता है इसमें, मैं क्या करूँ कहाँ से पानी इसके बंद को उसको समझ में नहीं आ रहा। लास्ट टाइम मैंने यही सेम जैसी अभी लगाई ना, सेम डिट्टो लगा कर रखी थी तो पानी रुक गया था, आज बारिश हुई फिर पानी नीचे टपकने लगा, लगता है कि पूरी प्लास्टिक चेंज करानी पड़ेगी। देखा आपने जैसे आज हम ब्रह्मास्त्र मूवी देखने गए थे, 11 बजे का शो था जो हम पहुंचे 11:15 बजे, लेकिन तब तक मूवी स्टार्ट नहीं हुई तो दैट इज गुड, ये बच गया क्योंकि मैं तो इस पे भड़क जाती और इसको गोली मार देती आज। तो कुल मिला के मूवी है अपनी 2.5 घंटे की, फिर 3 घंटे की, हाँ 3 घंटे हो गए क्योंकि 2:30 बजे हम थिएटर से निकल, 2:30 बजे हम पीवीआर से निकल चुके थे, मतलब 15 मिनट हमको वहां लगे घूमते घामते, तो 2:15 बजे मूवी खत्म हुई। ऐसे कुछ मूवी है और ऑब्वियसली मूवी ना मेरे को ओवरऑल अगर बात करें तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, एंड में बताऊंगी कैसी लगी, लेकिन मुझे कुछ कुछ चीजें पसंद आई जो अभी चीजें नॉन स्पॉयलर्स है। वो है लोकेशन, लोकेशन बहुत अच्छी आती, जहाँ जहाँ शूट्स किए गए वो बहुत अच्छी जगह पे शूट्स किए गए थे, और उसकी उसके बाद उसके VFX बहुत अच्छे थे, ऐसे ही ऑल ओवर हमने देखे ही है उसके VFX तो सब जगह पहले क्लियर हो चुके हैं पर बहुत ज्यादा अच्छे, और अब जब मूवी देखोगे ना तो और मजा आएगा। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात है मूवी को 3D में ही देखना, 2D में देखोगे तो बिल्कुल VFX का मजा नहीं आएगा। और उसके बाद उसके जो सेट्स डिजाइन किए थे बहुत अच्छे, मतलब जो सेट डिजाइनर था वो बहुत ही अच्छा था, ऑब्वियसली बिग बजट मूवी थी तो सेट को उसी हिसाब से डिजाइन किया गया था, मतलब छूट नहीं रहा था। अब हम जाते थोड़े थोड़े अब चीजें स्पॉयलर्स की तरफ जाती जाएगी, तो आप अगर आपको देख सुनना है तो सुन लो, पर ऐसा नहीं है मूवी देखने लायक बनेगी कि आप बाद में डिसाइड कर सकते हो। तो बात करते हैं पहले स्टार्टिंग में शाहरुख खान की, शाहरुख खान का मुझे तो रोल बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि उस जगह पे कोई और करेक्टर भी आ सकता है जो कि उनको नया करेक्टर, उनका जो अस्त्र का नाम दिया था वो दिया था वानरास्त्र, और जो कि बहुत चंचल होना चाहिए, वो शिकार ही क्या जिसमें थोड़ा शोर, तो उतना फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास नहीं आ रही थी जितना कि और कोई कैरेक्टर उसको कर सकता तो था। आप बता देना आपको क्या लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रणवीर कपूर और आलिया भट्ट केमिस्ट्री की, जो मुझे बहुत ही बकवास लगी, अननेसेसरी ओवरहाइप कर दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं, बीच में फटाक भड़वा से गाने डाल दिए जिसकी भी कोई जरूरत नहीं थी, एक गाना बस वो मूवी में सेट हो रहा था वो देवा देवा महादेवा। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जैसे कि गाने हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं ना यार, इतनी बार सुन चुके हैं कि वहाँ पे उसकी जरूरत नहीं थी, जब आप यूट्यूब पे और बाकी सब जगह लिरिक्स कर चुके हो गाने तो मूवी में डाल के मतलब उसका जल्दी टाइमलेस
टाइम वेस्ट करना। बॉलीवुड से हटके कुछ अलग कर सकते थे आप, वो गाने वहाँ पे कट कर सकते थे अगर आप पूरा लाइन में आप मूवी देखते ही। और अब थीम तो बॉलीवुड से हटके ही बना रहे हो ना यार, ब्रह्मास्त्र इज समथिंग लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी, तो उसमें गाने वाने हटा के बस नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। तो अब नेक्स्ट ये रहेगा कि उसमें जो थे अस्त्रों की इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम थी, मैं उम्मीद कर रही थी कि और ज्यादा होगी, है ना। उसके बाद जो कास्ट थी जैसे नागार्जुन, इन लोगों को भी बहुत कम टाइम दिया, उनके अस्त्रों की इन्फॉर्मेशन ज्यादा करके उनको टाइम और ज्यादा देते तो हमें और अच्छा लगता। और भी कास्ट वहाँ पे थी जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं की गई, हो सकता है कि पार्ट टू में उनकी इन्फॉर्मेशन क्लियर की जाए। डिंपल कपाड़िया वगैरह वो लोग वहाँ पे क्यों थे हमें नहीं पता, उनके अस्त्र क्या थे, वो उनमें क्या पावर थी हमें नहीं पता, वो किसकी रक्षा कर रहे थे हमें नहीं पता। ब्रह्मास्त्र का जो कैरेक्टर दिखाए देव और अमृता जो पार्ट टू में आएगी, दीपिका पादुकोण रणवीर कपूर की माँ बनी है, रणवीर कपूर की माँ बनी है, दैट इज अमृता। सो अभी उसका भी कैरेक्टर क्लियर नहीं किया गया कि वो एक छोटी सी झलक दिखाई दे, मतलब ऐसे में ऐसी थी, मतलब वो भी इसने मुझे बताया कि इसने देखी, मैंने तो देख भी नहीं पाया, मतलब झलक ही थी, मतलब एक सेकंड की झलक थी जहाँ पे मैं जल रहा था तब बताया। पर उसके बाद आलिया भट्ट का रोल और ज्यादा एडवांस कर सकते थे, पर मुझे लगता है कि पार्ट टू में उसको बहुत ज्यादा दिखाएंगे, बिकॉज एंड में एक सीन हमने देखा जहाँ ईशा हमारी आलिया भट्ट उसको उसकी पावर एनहांस कर रही है, जो कि ब्रह्मास्त्र को रोकने का काम कर रहा है, जब ब्रह्मास्त्र खुल जाता है तो रणवीर कपूर उसको रोकने का काम करता है, उस टाइम आलिया भट्ट उसकी हेल्प करती है। तो समथिंग लाइक दैट कि वो आगे के मतलब पार्ट टू में काफी कुछ बड़ा सा कैरेक्टर को यूज करने वाली है। पर ऐसा भी होने वाला है कि पार्ट टू में जो मूवी आने वाली है वो होगी थोड़ी सी बैक स्टोरी, फ्लैशबैक, जैसे अमृता देव जो हमें देखा है एंड में देव दिखा दिया है जो जागरूक हो चुका है ब्रह्मास्त्र जुड़ने की वजह से। अब मुझे ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन इसमें नेगेटिव रोल होगा, क्योंकि ऐसा होता है ना जैसे बॉलीवुड मूवीज आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो ऐसा होता है कि जो नेगेटिव जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि ये नेगेटिव रोल निभा रहा है, इसके चक्कर में दो लवर्स छूट गए, तो ये हो सकता है कि वो लवर्स छूटना नहीं छूटे हैं, इसके लिए हो सकता है कि बस ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि तो मुझे लगता है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह यहाँ होना चाहिए इस पार्ट टू में। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो देव का कैरेक्टर है वो रणवीर सिंह की जगह पे ऋतिक रोशन को भी मिल सकता है, पर अभी तक कोई चीजें क्लियर नहीं है। तो जो भी है, अगर आपने आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके बताना है कि, और ओवरऑल अगर आपने मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी। मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 10 में से 5 स्टार, बस VFX ही बहुत अच्छे थे, और मुझे लगता है कि मैं देना चाहूंगा इसमें 10 में 6.5, क्योंकि मूवी के VFX के साथ में जो डायरेक्शनल बताया गया था, जो लोकेशन बताई गई थी, जो BGM था बैकग्राउंड म्यूजिक वो बहुत अच्छा था, जो चाहिए था मूवी को उसके मतलब अस्त्रों और बाकी सबको जो एनहांसमेंट करने के लिए जो चीजें थी ना वो बहुत अच्छी लगी। बाकी रोल्स के कारण देख ले आलिया भट्ट का रोल, मतलब रोल थोड़ी बहुत डायलॉग्स और डायलॉग तो बहुत फेक लग रहे थे, डायलॉग्स बहुत फेक लग रहे थे। क्या हुआ शिवा, शिवा शिवा क्या हुआ, शिवा हुआ क्या, शिवा शिवा ये क्या हो रहा है शिवा। इस हाई बजट की मूवी से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उतनी एक्सपेक्टेशन पे नहीं। तो that's all from our side. तो आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताना, चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं, निकलो। चाय आ रही है, क्या कर रही है, ऐसा क्या कर रही है, किसी गंदी गंदी हरकतें करती रहती है। चाय पीने नींद चली आई है ना, कह रही तू यहाँ के घुस गई है अंदर, चाय देख रहे वहां घुस जाती। उसको लगता है चाय के साथ सब तोज आता है, क्योंकि चाय किस घर में तभी बनती है जब तोज होता है। बेटा आज सिर्फ चाय बनी है और चाय के साथ तोज नहीं है, कितना तो मौसम चला रहा है इसको, नहीं बेटा तोज नहीं है, बैठो नीचे, बैठो तोज नहीं है आज, ठीक है तोज नहीं है, ठीक है नहीं है। चीनी के डब्बे में छुपा रखी है आपके हिस्से की इलायची, वाह क्या शायरी लिखी, क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया और क्या बोला गया है उन्होंने, क्या बोला गया है। पर अभी मौसम तो बारिश का हो रहा है, तो अभी तो चाय तो पी सकते हैं, तो अदरक डालना पड़ेगी ना, इलायची तो ठंडी। अरे आप आइए तो सही, चाय मक्खन बटर मक्खन बढ़िया 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 था ना। तो गाइस मुझे यार ये मेरा सारा खराब कर देता है, है ना, क्या मैं दिख रही हूँ? ओह वाओ बढ़िया दिख रही, वैसे भी बिना उसके भी दिख रही है तू। अच्छा इसी बात पे हम ये व्लॉग का आज का समाप्त करते हैं, होप आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और चाय के डब्बे में इलायची अदरक दोनों रखा हुआ है, तो
मुझे फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि इससे बढ़िया बढ़िया रील मैं बनाती हूँ, है ना। और ये तो कुछ डालता ही नहीं है, ये तो कुछ बनाता ही नहीं है, तू मार को रही है। जो भी है वहाँ मिल जाएगी आपको, भी चेक करते रहो भाई सारी इन्फॉर्मेशन। लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी करना है वो कर दो यार। बाय बाय।